जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आइए देखते हैं आज के समाचार। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी लुधियाना में 269वां मासिक विधवा पेंशन एवं राशन वितरण समारोह रविवार 8 तारीख से प्रातः 10 बजे पद्मश्री विजय कुमार चोपड़ा के सानिध्य में एवं श्री रमेश जैन बिट्टा की अध्यक्षता में किया गया, जिसने तकरीबन 500 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण के साथ नवजन्मी बच्चियों को 1100 रुपए शगुन राशि की भेंट की गई। प्रशासन के नियमों की पालना करते हुए राशन वितरण 8 नवंबर तक किया गया। इस समारोह में विशेष तौर पर लुधियाना के गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के प्रधान प्रीतपाल सिंह पाली और MLA सुरेंद्र डाबर को भी सम्मानित किया गया। साढ़े अति सत्कार योग श्री जगदीश बजाज जी, जिन्हां दी बरसी दे संबंध विच ज्ञान स्थल मंदिर कमेटी अते उन्हां दे समुचे साथियों ने उन्हां दी याद नूं ताज़ा करन लई अज उन्हां दी बरसी दे संबंध विच जो उपराला कीता है, मैं परमात्मा दे चरणां 'च अरदास करदा। जगदीश बजाज जी इक जिते आप जगदीश बजाज जी नहीं इक संस्था भी सन, उन्होंने लुधियाने 'च नहीं जिते भी कित गए उन्होंने लुधियाने शहर का नाम रोशन किया। अज वो साढ़े चाहे नहीं हैं पर उन्होंने याद साढ़े बच्चे हमेशा बनी रहेगी, जिन्होंने 700-800 बच्चियों के लिए 700-800 भैनों के लिए सारे सत्कारयोग बच्चों लिए जो उपराला करते रहे वो किसी से लुकया छिपया नहीं, और उन्होंने साथियों ने जो अज उन्होंने याद को ताज़ा करने उपराला किया है वो बधाई के पात्र हैं। मैं परमात्मा के चरणों में अरदास करता हाँ, जिते जगदीश बजाज जी साढ़े बिच नहीं हन पर उन्होंने साथियों ने जो उपराले कर रहे हैं उन्होंने अगे किते कार्ज नूं अगे तोरन लई उपराला कर रहे हैं। परमात्मा उन्होंने सिर ते हाथ रख के इस तरह ही उन्होंने सेवा लैंदे रहन, और जो तन मन धन दे नाल मैं उन्होंने यही कहूँगा जिते भी साड़ी लोड़ समझण, जिते साड़ी लोड़ नूं महसूस करन, असीं उन्होंने नाल हाँ तन मन धन दे नाल इन्हों को कहना खिमा जाचक हाँ। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। श्री ज्ञान स्थल मंदिर साहब का 279वां राशन वितरण समारोह जिहड़ा कि असी 6 तरीक नूं शुरू किया, अज 8 तरीक नूं असी समापन किया है। इस समापन प्रोग्राम के असी अपने पूज्य श्री जगदीश बजाज नूं श्रद्धांजलि दित्ती आ। हुण तक असी 400 लेडीज़ नूं जिहड़ा हैगा वह राशन दे चुके हैं। अगला राशन वितरण जिहड़ा है वह साडा 12 दसंबर नूं होएगा। उस राशन के असी सारे राशन प्राप्त करने वाली लेडीज़ नूं असी रजाइयां भी देंगे, और रजाइयां के नाल नाल नवे कार्ड भी इशू करांगे। मैं लुधियाने वासियां नूं सारिया नूं बहुत धन्यवाद करता हाँ, और उम्मीद करता हाँ कि सानू इस तरीके की सहायता देंदे रहेंगे, साडा प्रोग्राम इस तरीके चलता रहेगा। सारे नगर निवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। खूनदान महादान को संबोधित करते हुए ब्लड लिंक फाउंडेशन और ब्लड डोनर फैमिली की तरफ से पहला खूनदान कैंप लगाया गया, जिसमें बहुत सारे खूनदान करने वाले लोगों ने इस खूनदान में अपना योगदान दिया, और इस फाउंडेशन के अगुओं ने लोगों को खूनदान देने के लिए संबोधित किया और नशे से दूर रहने की भी अपील की। और इस कैंप से कर्ता राजेंद्र पाल को इस छोटी सी उम्र में इस सालाना योग कार्य के लिए उनका धन्यवाद किया गया और कहा कि आज के नौजवानों को इनसे शिक्षा लेने की जरूरत है। मैं सारे वीरां दा भाजी बड़ा धन्यवाद है जिहड़े भी साडे नाल हाथ नाल मोढे नाल मोढा हट के बैठे है, तो सानू सर कहण दी लोड़ नहीं पैंदी, एक मैसेज ही है ते भरावां दे नाल ही भरावां दा हत्थ हैगा, ते सारे भरा दी बड़ी मेहरबानी है जिहड़े दिन रात साडे नाल हर टाइम ते खड़े है जी। रात नूं 12 बजे 2 बजे फोन कर लो। गोपाल भाजी का बड़ा थैंक्स है जी, अपने नागपाल भाजी आए हुए हैं। तो एक भाजी छोटा जहा मैसेज है, वो पिछले 2 दिन पहला किसी ने कहा कि 1000 रुपीज़ पर हैड मिलता शायद मे बी ना डोनेशन ले, और उस बंद ने यह भी कहा कि जोड़ा बंदा कैंप लगाता है वो कभी भी आप डोनेशन नहीं करता। तो उस वीरे को पहला तो मेरा भाई वो चरणा च प्रणाम है बहुत व्डा भी योजे महान हस्ती ने भी जन्म लिया दुनिया में। तो वीरे असं उन्होंने कहना चाहते हैं कि भाजी असी कैंप लगाया साढ़े सारे भरावान के नाल, साड़ी पहला मोटिव होंगे कि पहला असी आप डोनेशन करिए उस तो बाद दूजे भाइयों को लेइए। तो भाजी साड़ी डोनेशन चलती भी है, मैं भी कर रहा, संधी भाजी भी करे, नागपा भाजी भी रेडी है गए हैं। तो जो मर्जी भाजी ओपन चैलेंज है, जे तुम सेवा नहीं करनी तो प्लीज़ किसी को डीमोटिवेट भी ना करो। असी इतने एक पहला कैंप लगाया खूनदान कैंप जो कि ब्लड डोनर फैमिली तो ब्लड लिंक फाउंडेशन लगाया वा, तो असी एक छोटा जहा कोशिश की है कि सारे ब्लड मिल सके जरूरतमंद लोगों, तो असं इदा ही सेवा करते रहेंगे नाल हमेशा।
तो सारे वीर के साथ भरावान के साथ अज कैंप लगा मोहन दई ओसवाल होस्पिटल में तो असी अगे भी इदा ही सेवा करते रहेंगे। ये अज साडे दीपू जी ने साडे रजिंदर भाजी ने यह जो कैंप लगाया पहला कैंप लगाया कहन यह कैंप पहला वा लेकिन इन्हों की सेवा असी बहुत देर तो देखते आ रहे हैं मतलब एक ऑफिशियली जिन्हों असी कह दिए कि असी नैशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौंसल नूं असी जिहड़ी इह मेल पावांगे पहली मेल पावांगे अदरवाइज इन्हां दी जिहड़ी डोनेशन हैगी असी बड़ी खुशी हुंदी है कि जदों अजकल नवें नवें जो बच्चे उभर रहे ने जवान जो इह भारत दी जो यूथ आ इस सेवा दे विच आ रही अगे मन नूं देख के बहुत खुशी हुंदी आ और इह वी समझ आउंदी है कि इह नशियां तों दूर जा रहे ने और इह सेवा वल आ रहे ने सो मेरी सारिआं अगे इही बेनती है कि इन्हां नूं देख के कुछ ना कुछ सीखना चाहीदा वा कि छोटियां उम्र के जो इन्होंने वड्डियां पलंघा पट्टनी शुरू करती हैं तो अगे चल के कितने जाएंगे। सो डोनेट ब्लड सेव लाइफ तुहाडा एक बारी किया हुआ दान तीन तीन जिंदगियां बचा दिंदा वा सो मेरी सारे यही बेनती है कि ज़्यादा तो ज़्यादा ब्लड कैंप में आओ तो अपना खूनदान करो। रजिंदर भाजी तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो इस सेवा देखते हुए जिन्हें जो खुद दिन रात नहीं देखते दे। हर टाइम से सेवा लिए उपलब्ध रेंदे ने साडे गोपाल भाजी ने जिन्हों तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंने असी भी सेवा किद्दां कीती जांदी है किद्दां अगे आईए तो सारे नूं यही रिक्वेस्ट है कि जो भी किसी नूं भी ब्लड की लोड़ पैंदी है तो जरूर अगे आओ इस चीज़ नूं लैके बहुत लोगों के मन च हैगा भी किसी नूं भी ब्लड के कैंप के पैसे मिलते हैं या कुछ मिलता है इदा का कोई पोजिशन नहीं इदा की कोई भी हरकत नहीं होंगी जे मान लो कोई इदा का करता भी है तो जरूर सानू इनफॉर्म करो ठीक है। ब्लड सेवा फैमिली ब्लड डोनर फैमिली करो यूथ ब्लड डोनर करो ब्लड अपना ब्लड लिंक वालों करो दीपक भाजी करो जरूर इनफॉर्म करो बाकी ब्लड जरूर डोनेट कराया करो। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ अमन की रिपोर्ट। लुधियाना के हैबोवाल में बाबा मलजी लिगा धाम ने 30 जरूरतमंद परिवारों को राष्ट्रीय संस्था लिगा परिवार सोसाइटी रजिस्टर्ड द्वारा मासिक राशन वितरण किया गया जिसमें जरूरतमंद परिवारों को राशन दिया गया और लोगों को संबोधित किया गया कि वे भी इस मानवता के सेवा कार्य में अपना सहयोग अवश्य दें और इस समय पर पहुँच कर इस सहयोगी कार्य का हिस्सा बने। आपको भी बता दें कि ये कार्य सुबह ठीक 10 बजे से किया गया। आज लिगा परिवार सोसाइटी वालों 32 परिवारों नूं दिवाली की खुशी च राशन तकसीम किया गया तो मैनू इन्हां ने कॉल करके जैन साहब ने इत्थे बुलाया सी तो मैनू आके इत्थे बहुत चंगा लग्या तो मैं इन्हां दा बिल्कुल धन्नवाद करदा जी। आने वाले समय च भी यह बहुत ही समाज भलाई दे काम करदे ने। आज राष्ट्रीय संस्था लिगा परिवार सोसायटी की ओर से वार्षिक राशन वितरण का आयोजन विशेषकर दिवाली के उपलक्ष्य में 32 परिवारों को आज राशन वितरण किया गया। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि जो कि पुलिस प्रशासन से मोहनलाल जी रिटायरमेंट ले चुके हैं लेकिन हमारी एक आवाज़ पे एक रिक्वेस्ट पे आज उन्होंने आना स्वीकार किया। सेवा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं ऐसा आश्वासन है। समय भी है तजुर्बा भी है इनके पास और पहले हमने इनके कार्यों को देखा भी है इसी इलाके में। आज इसके साथ साथ दिवाली के उपलक्ष्य में हमारे संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष विपन जी रेणु जैन परिवार की ओर से जहां पे मासिक राशन की व्यवस्था संस्थान की ओर से थी उसी के साथ साथ दिवाली के उपलक्ष्य में इन परिवारों को मिठाई एवं गर्म कपड़े आदि की जो व्यवस्था है इस परिवार की ओर से की गई। ये परिवार काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में जो परिवार असहाय महसूस करते हैं उनको एक छोटी सी सहायता छोटा सा सहयोग देकर अपने पुण्य का उपार्जन कर रहे हैं। हमारी भगवान महावीर से प्रार्थना कि ये सेवा के क्षेत्र में और आगे बढ़ें समाज कल्याण के ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें और हमारे भाई जैसे मोहनलाल जी बड़े भाई आज हमारे बीच हैं वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य में आगे बढ़ेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लोग बेफजूल करते हैं हर आदमी का अपना टेस्ट है। हमें भी समाज सेवा के क्षेत्र में बेफजूल बोलते हैं है ना आप सेवा के क्षेत्र में लगे हमें बेफजूल बोलते हैं तो जिसके भाग्य में जो लिखा है वो करेगा है ना जी। आज बहुत से समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सी संस्थाएँ बहुत से लोग जो हैं इस कार्य में आगे आए हैं। विपन जी आज से 8-10 साल पहले इन चीज़ों को जानते नहीं थे आज देखो उनका एक बड़ा नाम है
बड़ा नाम है, प्रेरणा से हुआ है, लोगों को देखा है, लोगों को सीमांत के क्षेत्रों में जाके उन्होंने अपने हाथ से बांटा है, जहाँ पे गोलियाँ चलती हैं लोग जाते नहीं हैं, ये परिवार 7-8 बार वहाँ पे जा चुका है। जब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनका दिल करता है कि करें। अभी लोग बाहर बैठे हैं, हम यही बोलते हैं कि आप आएँ, अपने हाथों से एक परिवार को सहयोग करें। मात्र बोलते हैं कि 900 रुपया देके आप हमारे साथ एसोसिएट हो जाएं। जब वो आते हैं, देखते हैं परिवारों से, उनका विचार सुनते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, कि छोटे से सहयोग के लिए उनको कितनी दूर से पैदल आना पड़ता है, तो नेचुरली हमारा आह्वान यही रहता है। जैसे आज हमारे बीच पुलिस ऑफिसर आए हैं, तो ये सेवा के निमित्त आए हैं, कभी इनको मौका मिला भी है, मिला भी था, लेकिन आज ये आगे आना चाहते हैं। तो जैसे ये आए हैं तो समाज भी आगे आएगा। जो मीडिया का पार्ट है, मीडिया का पार्ट सबसे बड़ा है। आज इतना काम अगर समाज सेवा के क्षेत्र में हो रहा है तो वो मीडिया के कारण हो रहा है। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। भगवान वाल्मीकि महाराज के जन्म पर्व के मौके पर ईसा नगर पुल पर गुरदीप चावला की ओर से एक विशेष लंगर का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनकी पूरी टीम का, सुरेश जी और बॉबी जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद किया गया, क्योंकि हर बार उनकी ओर से कोई न कोई ऐसा ही धर्म से जुड़ा हुआ कार्य होता ही रहता है। और इस बार भी भगवान वाल्मीकि जी के आगमन दिवस के मौके पर उनकी ओर से इस लंगर का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं ने इस लंगर में पूर्ण मन से सेवा निभाई और इस समारोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। और उन्होंने बताया कि वह समाज और धर्म के प्रति अपना सहयोग इसी तरह जारी रखें और लोगों की सेवा करते रहें। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, आज भगवान वाल्मीकि महाराज जी के पर्व दिवस के उपलक्ष्य विच ईसा नगरी पुली उत्ते साडे बहुत ही सत्कारयोग साडे वड्डे वीर गुरदीप चावला जी वल्लों अज लंगर का आयोजन किया गया है। इन्हां दी टीम अपने सुरेश जी, बॉबी भाजी ते होर ने, समुची टीम ने, यह हर बारी धर्म के नाम से ना कोई उपराला करते रहते हैं। तो अज भी आ भगवान वाल्मीकि जी जरा प्रगट दिवस निकलिया और उपलक्ष्य विच लगातार इदा ही लंगर जारी रखते है, तो लोगों लंगर च देंदे है। मैं इन्हों बहुत बहुत बधाई देना भी आ समाज प्रति है, धार्मिक सेवा प्रति है, इदा ही अपना योगदान जारी रखे ताकि भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद हमेशा बनया रहे। मैं विजय खटक, अज भगवान वाल्मीकि प्रगट दिवस दियां लख लख बधाइयां होण। तो इस विषय में गुरदीप चावला जी ने अज इत्थे लंगर का आयोजन किया है, तो सानू बहुत खुशी है भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रगट दिवस दियां सब नू लख लख बधाइयां। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ अमन की रिपोर्ट। श्री आत्मवल्लभ जैन उपाशय लुधियाना में विराजमान गणिवरे डॉक्टर श्री इंद्रजीत विजय जी महाराज साहिब के पावन सानिध्य में परम वंदनीय, परम आदरणीय, परम त्रयोद्धारक आचार्य भगवान श्री विजय इंद्रदिन सूरी जी महाराज साहिब के 98वें जन्मदिन पर गुणानुवाद और गायन गुरु संतों के द्वारा गुरु भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। पूज्य गुरुदेव महान शासन प्रभावक थे, उन्होंने लाखों लोगों को व्यसन मुक्त कर भगवान महावीर स्वामी के पद का अनुयायी बनाया। पूज्य श्री ने शिरोमणि संघ के 3-3 चतुर्मास का भी लाभ दिया था। श्रीमद् आत्मवल्लभ समुद्र की पाठ परंपरा को सुशोभित करने वाले ऐसे आचार्य भगवान श्रीमद् विजय इंद्र दिन सुरीश्वर जी महाराजा जिस क्षेत्र से आते हैं, यानी बड़ौदा, पंचमहाल, छोटा उदयपुर, ये जिलों में बसने वाले, यानी कि वहाँ का पूरा इलाका है, पूरा क्षेत्र है, और उस क्षेत्र को परमार क्षत्रिय क्षेत्र बोला जाता है, यानी परमार क्षत्रियों की वहाँ पर बस्ती है, वहाँ पर लोग रहते हैं। तो ऐसे परमार क्षत्रियों में जन्म लेने वाले और महावीर प्रभु के शासन में उस विस्तार से दीक्षा लेने वाले प्रथम जैनाचार्य है। यानी आजकल तो बहुत सारे आचार्य भगवंत हैं, साधु साध्वी भगवंत हैं, लेकिन अगर किसी ने सबसे पहले, सबसे प्रथम अगर किसी ने दीक्षा ली है तो हमारे गुरुदेव परम तारक आचार्य भगवान श्रीमद् विजय इंद्र दीन सुरीश्वर जी महाराजा प्रथम आचार्य पदवी ग्रहण की, यानी बंबई में वरली श्री संघ में जिन शासन रत्न समुद्र सुरीश्वर जी महाराजा के
कर कमलों द्वारा आचार्य पदवी हुई। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। खन्ना CIA स्टाफ की टीम ने शनिवार को देर शाम मलेरकोटला रोड पर एक गोदाम में रेड की। पेट्रोल पंप के ठीक सामने गली में चल रहे इस गोदाम में लकड़ी और कोयले के साथ भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया था। पुलिस ने गोदाम को सील कर अब पटाखों की गिनती का काम शुरू कर दिया है। हालात देखकर लगता है कि किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार CIA स्टाफ को शनिवार को इस गोदाम को लेकर सूचना मिली थी। सब इंस्पेक्टर जगजीवन राम और ASI प्रमोद कुमार ने पुलिस बल के साथ गोदाम पर छापा मार दिया। पहले तो पुलिस को लगा कि गोदाम में केवल लकड़ी और कोयला ही है, लेकिन जब तलाशी शुरू की गई तो कोयले और लकड़ी के भंडारों के पीछे 3 कमरे मिले। इन कमरों में पटाखों का बड़ा भंडारण मिला है। मिली जानकारी के अनुसार गोदाम का मालिक भी मौके पर ही मौजूद है, लेकिन फिलहाल पुलिस माल को गिनने में लगी है। इसके बाद ही FIR दर्ज की जाएगी। बताते हैं कि प्राथमिक जांच में गोदाम में 3 से 4 ट्रक पटाखों के होने की आशंका लग रही है। सबसे खतरनाक बात यह है कि सामने पेट्रोल पंप और उसके साथ ही गोदाम के अंदर लकड़ी और कोयले जैसे ज्वलनशील पदार्थों के साथ साथ पटाखों का भंडारण काफी खतरनाक हो सकता था। बताते हैं कि पिछले कई सालों से इलाके में पटाखों का यह गोदाम चल रहा था। वहीं CIA स्टाफ टीम में शामिल ASI प्रमोद कुमार ने बताया कि कोयले एवं लकड़ी के गोदाम में नाजायज पटाखे पकड़े गए हैं। गोदाम मालिकों ने कोई सुरक्षा प्रबंध भी नहीं कर रखे थे, जिस पर गोदाम के मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। कल सानू एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि जोगेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश वासी नवी बादी ने अपने बाहल पिंड माजरी विखे गोदाम जिहड़े हैगे बिना लसेंस बिना उतो और बिना सिक्योरिटी परपज तो लगाए बगैर पटाखे स्टोर किए हुए, जिस ते इस गोदाम ते आ के रेड किया गया, जिथे कि काफ़ी सारे मात्रा विच जिहड़े हैगे पटाखे मिले आ। अजे गिनती चल रही है, FIR दर्ज करके तफ्तीश अमल विच लिआंदी जा रही। खन्ना से प्रभजोत भट्टी की एक विशेष रिपोर्ट। मलोट में हुई कांग्रेस की रैली में पंजाब के डिप्टी स्पीकर अजय सिंह भट्टी की मौजूदगी में एक नौजवान की तरफ से स्टेज पर बोलते हुए खालिस्तान की मांग किए जाने पर वर्कर की तरफ से विरोध किए जाने पर नौजवान को स्टेज से उतार दिया और रैली के बाद मलोट पुलिस ने उक्त नौजवान खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। डिप्टी स्पीकर को पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मलोट में कांग्रेस की तरफ से किसान रैली के दौरान मंच पर खालिस्तान बनाने की बात करने वाले के खिलाफ सिटी मलोट पुलिस ने देश विरोधी बातें करने पर मामला दर्ज कर लिया है। मलोट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से केंद्र के खिलाफ खेती कानून के विरोध में एक किसान रैली आयोजित की गई थी। इस दौरान इस नौजवान ने कांग्रेस के पक्ष में बोलते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करेगी तो पंजाब में खालिस्तान बन जाएगा। उक्त नौजवान की बात सुनकर तुरंत ही स्टेज पर मौजूद नेताओं ने उससे माइक छीन लिया तथा अपनी सफाई पेश करने लगे। पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये साड़ी खुल दिली है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, उदे च असीं हरेक नूं अपनी वॉइस जे आवाज अपनी उठाउण दा मौका दिता जांदा, क्योंकि साड़े जिहड़े मौलिक अधिकार आ उहनां च है। जेकर किसे सिरफिरे ने कोई ऐसी गल की है तो ही विल फेस द म्यूजिक इन द डेज टू कम। जे कल ही महल कार्रवाई होगी होनी होगी सी, जो कोई पुठा काम करूंगा तो पुठे काम का वह पुठा नतीजा भुगतूगा। बेशक जो रैली के इस तरह बोले जाना है पुलिस के कोलों चले जाना, उसने पुलिस कोई स्क्रीनिंग करके भेज दिए तो किसान सुन लो, लिसन, दैट वॉज नॉट ए कांग्रेस रैली, दैट वॉज फॉर द सेक ऑफ फार्मर्स। किसानों के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जूरिया उन्होंने हुक्म अनुसार असी लोगों जागरूक करने के लिए पिंड पिंड जाके रैलियां करके जेडे इनपुट्स साड़ी सरकार ने जो उन्होंने जाती वो हाईलाइट कर रहे हैं। जेकर कोई बंदा आज किसी बंद कोई रोकया नहीं गया कि तू आ बोल रहे, वो आया उन्हें जो कोई गलत गल कही तो मैं हाल डिप्टी साहब बोले खड़े एक्शन हैज बीन टेकन। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। समाज में अगर दान देने वाले हैं तो उन पर कब्जा करने वाले भी लोग साथ में मौजूद हैं, लेकिन कब्जा करने वालों को न तो जन्म देने वाले का घर और न ही अंतिम स्थान का पता चलता है। वो तो उस पर भी अपनी दावेदारी पैसों के खातिर बनानी शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला जिला गुरुदासपुर के बटाला के गुरु नानक कॉलोनी में स्थित 200 साल पुरानी जगह में देखने को मिला। यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर और एक शमशान घाट है।
अदालत में लगभग 20 साल तक केस चला और केस अदालत में हारने के बाद भी दावेदार कहलाने वाला व्यक्ति कामरेड हंसा सिंह निवासी बटाला का ही रहने वाला है, जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी और अब 200 साल पुरानी जगह जो दान में दी गई थी उसके किसी जलंधर में रहते रिश्तेदार को मंदिर के भक्तों के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसके चलते आज शिव मंदिर सुधार सभा बटाला की तरफ से एक प्रेस वार्ता गुरु नानक कॉलोनी मंदिर में की गई। जानकारी देते शिव मंदिर सुधार सभा के मेंबर्स ने बताया कि जिस स्थान पर प्राचीन शिव मंदिर है वह 200 साल पुराना है और मंजोग अदालत सिविल की तरफ से यह जमीन का केस भी मंदिर कमेटी के हक में हुआ है और मंदिर कमेटी का इस जमीन पर कब्जा है और इस जमीन पर शिव मंदिर के अलावा शमशान घाट, साधु और तपस्वी संतों की समाधि भी बनी हुई है। इसके अलावा कुछ शरारती अंसरों की तरफ से झूठे जाली कागजात तैयार करके जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मंदिर सुधार सभा का चेयरमैन होने के नाते ये जगह सर मंदिर और मड़िया दी है, प्राचीन मंदिर बनया है और हंसा सिंह कामरेड पिछले लंबे समय तो ये जगह का मान जो कोर्ट के भी केस चलिया जिहड़ा कि लोअर कोर्ट तो लैके सैशन कोर्ट तक हार चुका वा और ये हुण की कर रहा वा हंसा सिंह कामरेड क्योंकि ये हाथ कुछ नहीं आया। ये जलंधर की एक पार्टी आ नीलम कुमारी ते उदा पति अशोक कुमार उन्होंने उंगल दे के उन्होंने अपने इशारे ते चलाउंदे आ कि तुहाडी जगह तुहाडे पुरखां ने दान की है, पर उन्होंने पुरखां ने दान नहीं की हैगी। तो जिहड़ी एक चीज़ दान की जाती है जे की भी होवे अबल तो की नहीं हैगी, उन्होंने पुरखां ने नहीं की हैगी, जे की भी होवे पर वो दान की जिहड़ी दित्ती हुई चीज़ जिहड़ी वापस नहीं लै सकते क्योंकि ये धर्मत स्थान आ, मंदिर आ, पब्लिक प्लेस आ, ना जगह साड़ी है तो ना उन्हां दी है, ये पब्लिक की जगह सर। ए डी सी साहब ने की सी, शिकायत बकायदा उन्होंने नोट्स में पूरी गल लिया गई थी, उन्होंने गां एस डी एम साहब की ड्यूटी लाई थी, एस डी एम साहब ने भी आप एप्लीकेशन दे चुके हैं तो वो जे साडा जिहड़ा केस आ जिहड़ियां गरदौरियां हंसा सिंह के नाते कोई बोलदियां कोई माड़ियां मोटियां होणगियां क्योंकि अभी एक दो साल तो पहला भी जिहड़ा एप्लीकेशन दे चुके हैं पर उन्होंने गरदौरियां कैंसल नहीं कीतियां हैगियां। हुण दुबारा आपां तहसीलदार साहब नूं मिल के विद अपना लॉयर करके उन्होंने केस लाया वा नायब तहसीलदार के कोल, 20 तरीक सानूं पई आ वो जिहड़ा केस आ विचार अधीन आ तो असी प्रशासन को यो मांग करने क्योंकि धर्मर्थ जगह वा ये जिहड़ियां कीतियां हुई गरदौरियां वो कैंसल की जान क्योंकि लोअर कोर्ट तो सैशन कोर्ट तो केस जिहड़ा हार चुका। प्राचीन मंदिर दे विच खड़े हैं और ये मंदिर 200 साल पुराना मंदिर है और ये सज्जे पासे शमशान घाट है जिथे कि जो भी कोई किसी की डैथ होंदी है वो आके इत्थे जिहड़ियां बाड़ी क्रमेट करदे सी और मियाँ मल्ला बल्कि अद्धा बटाला जिहड़ा है इस मंदिर दे नाल जुड़िया हुआ है और पिछले आज़ादी तो बाद खास करके इस मंदिर दे विच हर साल मेला लगता सी और उसनों मेनटेन करदे हुआ कल भी इत्थे माता जी का जगराता जिहड़ा वो होया है और बटाले की जनता जिहड़ी है इस मंदिर दे नाल बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, उन्हां दियां इमोशनस इन्हां दे नाल इन्नियां जुड़ियां ने कि पिछले कुछ समय तो कुछ एंटी सोशल ताकत जिहड़ियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि मंदिर जिहड़ा है और ये जिहड़े दे नाल जगह है उहदे ते नजायज़ जिहड़ा वो कब्जा किया जाए और असी इस वेले खास करके प्रेस नूं भी और उहदे नाल नाल जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिहदे विच खास करके डीसी SSP और SDM जिन्हां दी मेन ड्यूटी है कि लॉ एंड आर्डर जिहड़ा वो किसी ना किसी कास्ट मेनटेन होना चाहिए और मैं अपने वालों एक रिक्वेस्ट करदा इन्हां नूं क्योंकि असी इस मंदिर दे नाल पिछले 70-80 साल तो जुड़े हैं और उस तो पहला इस एरिए दे जिन्ने लोग सी वो सवेरे आंदे दे लागे हल्टी सी वो नांदे सी कसरत करदे सी लेकिन जिस तरह के मैं पहला दस्या जो भी लोग ये नजायज़ कब्जा करन वाले इहदे विच इंट्रस्ट रख रहे ने उन्हां लोगों नूं एडमिनिस्ट्रेशन नूं चाहिए है कि कड़ी तो कड़ी जिहड़ी है वो सजा देनी चाहिए है तां कि जिहड़ा बटाले दा एनवायरमेंट आ खास करके जिहड़ियां इहदे च हर बरादरी जिहड़ी इनवॉल्व है उस खास करके जंबा बरादरी जिहड़ी है उन्हां दे जठेरियां दी जगह है वो पूजा करते हैं, माता जी का मंदिर है, सराह बनी हुई है,
सो कोई नहीं चाहते कि कोई ऐसी सिचुएशन आए जिदे नाल कि कोई कलैश होए और बटाले का माहौल जोड़ा है वो खराब होए। कोई ट्रस्ट नहीं उठे, कोई किसी का लेना देना नहीं इन्हों का। एक मिहार बुलादरी ने आ के साड़ी झगड़े तो बाद ने वो मतलब डेयरी बनाई है अपनी व्डिया की। हूँ थोड़े साल हो चार दुवारी करके मेरे बन्ने वो पाँच सत्त सत्त फुट कर दिती ता मेरे ना इन्हों का झगड़ा हो शुरू। बाकी ये पहला इन्ह गुरुद्वारा बनाता फिर वो चुकया गया परचा आया फिर इन्होंने सानी साहब को 2 लाख ग्रांट ला के तो इन्होंने डेयरी मतलब धर्मशाला बनाती। वो धर्मशाला भी जो परचा आया तो ये चुके ला गए अपने आप। मैं नहीं किसी तेरे कोई प्रूफ हैगा अपनी इस जगह का? हाँ जी प्रूफ है नहीं केस सर केस जो कहते ना हारन की गल करते गरदौरी है जी जी मालकी होंगी कब्जा भी होंगे जमाबंदी है जी वो गरदौरी है ये जमाबंदी है रजिस्ट्री है मेरी जी 6/10/94 कराई है। मैं उदों पहला इत्थे कोई इन्हां दी डेयरी नहीं सी। वो जिहड़ा एक मंदिर दसदे आ प्राचीन मंदिर कहिंदे आ वो नाल रहिंदे जिहड़े उन्हां उहदे ते कब्जा कीता ते उधर चल जाणा ते उन्हां ने हुण इस जगह नूं बूहा कढ लिया। अच्छा वह कह रहे कि कोर्ट 'च तुसीं केस हार चुके हो वह की असलियत? नहीं सर वह केस विच इह होया भई इन्हां जदों वेख्या भई कुछ नहीं इन्हां कोल इन्हां एक झूठी चिट्ठी लाई सी। वह जिहड़ी चिट्ठी आ वो कोर्ट च आ के साबित करनी होंगी जिन्हें लाई हुई वो आए नहीं उत्थे। कोर्ट ने फिर उत्ते मैं अपील की सैशन कोर्ट के सैशन कोर्ट ने फैसला किया इन्होंने कहा भी तुम जाओ जाके दावा करो ये खिलाफ संबंधित धिर लैके कोर्ट की मंजूरी लैके। सर मैनू क्या बाबा जी वो कह रहे हैं कि दो जड़िया भैन सुमित्री देवी तो दूजी जी माया देवी उन्होंने दान उन्होंने बुजुर्गों ने दान की जगह किसी ने दान नहीं की वो बयान दे गई है सुमित्री देवी कोर्ट में। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेंद्र।